अब इसमें ब्रीफ में मैं बता दूं, अब ये स्कीम्स हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस, वो ये था वेज सीलिंग 15,000 की गई, यानी कि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग जिसकी तनख्वाह 15,000 या उससे ज्यादा है तो उसका दोनों शेयर पीएफ में जाएगा। तो वो आपकी बात सही है कि अगर 1800 है किसी का तो प्लस 1800 दोनों शेयर पीएफ में जाएगा। यानी कि पेंशन की मेंबरशिप आप किसको कब देंगे, पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन कब किसके साथ देंगे, अगर किसी की एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एनी इंस्टीट्यूशन और एस्टेब्लिशमेंट उसकी तनख्वाह बेसिक प्लस दी थी उसमें। आज 27 फरवरी को हमारा डिस्ट्रिक्ट आउटरीच प्रोग्राम है जिसको हम निधि आपके निकट 2.0 कहते हैं, और इसकी ख़ास बात यह है कि ये 27th ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 27 तारीख को ये ऑल इंडिया लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट आउटरीच प्रोग्राम रखा जा रहा है ईपीएफओ के द्वारा। तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट यह है कि हम अपने स्टेक होल्डर्स तक पहुँचें, जैसे कि एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, या स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ या सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, तो इन तक हम पहुँचें और एक ही जगह पे इनको हम अपनी बात बताएं, अवेयरनेस फैलाएं और इनकी बात सुने, हैंड होल्डिंग हो, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो और ख़ास तौर पे ग्रीवेंस रेड्रेसल हो। तो बजाय इसके कि वो हम तक पहुँचे, कॉन्सेप्ट ये है कि हम हर महीने कम से कम एक दिन उन तक पहुँचें और उनकी बातों को सुनें और अपनी बात भी उनके सामने रखें। तो आज जैसा कि ये प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में तय हुआ और आज हम डीसी ऑफिस के पास कॉन्फ्रेंस हॉल में हैं, तो आज काफ़ी लोग आए, अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग आए, चाहे म्यूनसिपैलिटी हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो या पीडब्ल्यूडी आरएनबी हो, और प्राइवेट में स्कूल एसोसिएशंस के लोग आए हैं और भी लोग आए जिन तक अभी हमने अपना प्रेजेंटेशन दिया और उनका उनको हमने ब्रीफ किया। जेएंडके में ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी इसको 3 साल ही हुए हैं हमारे एक्ट को ऑपरेशनल हुए, तो ये बहुत ज़रूरी था कि लोगों तक हम अपनी इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ और उनको रूल्स प्रोविजन्स से वाकिफ कराएं और उनके जो इश्यूज आ रहे हैं अभी उनको भी हम सुन पाएँ। तो काफ़ी अभी अच्छा इंटरेक्शन हुआ और अभी इसके बाद भी हम लोगों के सवाल जवाब लेंगे और उनके कोई ग्रीवेंसेज हैं उनको कोशिश रहेगी फास्ट ट्रैक पे हम उसको सोल्यूशन दें। तो ये एक पीरियोडिक फीचर रहने वाला है, हर महीने किसी ना किसी ज़िले में हम अपना प्रोग्राम रखेंगे। जो सर अभी भी आपके इस प्रोग्राम से या इस एक्ट से अभी भी तस्दुक के शिकार हैं, जो अभी इससे अवेयरनेस से बाहरी है, उन लोगों के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी, आपकी डिपार्टमेंट की ओर से और सिक्किम की ओर से क्या मैसेज रहेगी? जी, ये अच्छा पॉइंट है कि अभी भी लोगों को काफ़ी अवेयरनेस की कमी है जेएंडके में ख़ास तौर पर। तो इसके लिए अभी हम हमारा आरओ श्रीनगर ऑपरेट कर रहा है और साथ ही साथ हम ईमेल के ज़रिए और अपने व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए भी लोगों से रابطہ कायम करते हैं। तो जिनको भी कोई इशू है तो या तो हमारे वो डिस्ट्रिक्ट आउटरीच प्रोग्राम में पहुँचें या हमारे रीजनल ऑफिस श्रीनगर कभी भी वो आ सकते हैं। और खास साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो भी मैं बताना चाहूँगा, जिसको नोट करके ब्रीफ में व्हाट्सएप के ज़रिए अपना ग्रीवेंस या